अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब खैरियत से हैं। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मेरे हस्बैंड जॉब पे जा रहे हैं और आज मैंने इनको वीडियो में पूरी तरह से ले लिया है और थोड़ा सा नाराज़ तो हो रहे थे लेकिन फिर बाद में ठीक हो गए। और देखो आज देखिए ये है मेरे हस्बैंड, बताइएगा कैसे हैं। उसके बाद ये जा रहे हैं तो चले गए थे ये जॉब पर। उसके बाद मैंने काम वगैरह करा और फिर दोपहर का टाइम था तो मैंने कहा चलो मार्केट चल रहे हैं क्योंकि वो जहर स्लीपर टूट गई हैं तो बहुत जिद कर रहे थे। सुबह से मुझे अपनी टूटी हुई स्लीपर दिखाए जा रहे हैं बार बार, तो मैंने कहा चलो तो तुम्हारे लिए हम लेके आते हैं। आज मैं इनको लेके गई साथ में क्योंकि अगर इनको नहीं लेके जाती तो साइज़ सही नहीं मिलता और फिर मुझे दोबारा जाना पड़ता चेंज करने के लिए। और जब मैंने इनसे बोल दिया कि ये चल रहे हैं मम्मी, तो ये इतना खुश हो रहे थे जाने के लिए। और फिर इनके बाद नीचे जाके अपने चाचू को भी बता रहे कि मैं स्लीपर लेने जा रहा हूँ, इतना खुश। उसके बाद मैं घर से बाहर निकल गई हूँ, जाने लगे हैं मैं और मेरी अम्मी जा रहे हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ सामान लेना था, इसके वजह से वो साथ में जा रही थी। मैंने कहा ठीक है अम्मी, मैं और तुम चल रहे हैं आज। उसके बाद हम जाने लगे हैं और ये देखिए जहर का हाथ पकड़ के चल रही है अम्मी, क्योंकि आपको पता ही है थोड़ा हिलते हैं, इसके वजह से मुझे डर लगता है कोई गाड़ी वगैरह ना लग जाए इनसे, इसलिए इनका हाथ पकड़ के चलना पड़ा। इसलिए मैं कहीं ज़्यादा इनको लेके नहीं जाती हूँ, गाड़ी वगैरह जाती हूँ जब भी लेके जाती हूँ। ये हमारे घर के पास मार्केट है, हमें छोटा मोटा कुछ भी सामान लेना होता तो यहीं आते हैं हम, और मार्केट भी हो जाती है और घूमना भी हो जाता है थोड़ा सा। तो फिर हम यहाँ पास में ही है एक शॉप है, छोटी सी है, उन्होंने वो बाहर ठेले लगाती हैं अपने चप्पलों का, वो थोड़ा मतलब सही दे देते हैं, वो अच्छी भी चप्पल देते हैं, सही चलती है उनकी चप्पलें, तो मैं उन्हीं से लूँगी। शॉप से तो ले लेते हैं लेकिन ऐसे भी लेना चाहिए, हर वक्त शॉप पे ही नहीं जाना चाहिए। शॉप की चीज़ें भी कभी कभी ऐसी चीज़ें भी अच्छी निकलती हैं, तो मैं इनसे पहले लेके गई थी तो अच्छी निकली थी, तो मैं इनसे ही ले लूँगी। एक ब्लू कलर की चप्पल मुझे पसंद आई थी, ये छोटी सी रखी ब्लू कलर वाली, उसके बाद मैंने वो ही दी उन्हें, उनको जहर को सही आ गई चप्पल। अगर लेके आई हूँ, अगर नहीं लेके आई तो नाप नहीं सही बैठता, इसकी वजह से मैं उनको लेके आई हूँ और इतना खुश हो रहे हैं देखिए। उसके बाद हमने चप्पल वगैरह ले ली, फिर मम्मी को दालें वगैरह लेनी थी तो मैं वहीं इसी शॉप पे लेके आई हूँ, उसमें मैं दाल लेके गई थी। इनका सामान मतलब अच्छा होता है और सही सामान होता है इनका, इसकी वजह से मैंने यहीं पर कहा चलो मैं लेके चलती हूँ, यहाँ पर मैं लेके आई थी। उसके बाद मैंने दालें वगैरह ली और उजैर देखो कितना खुश हो रहे हैं सामान को देख के। उसके बाद मैंने उजैर को फ्रूटी दिलाई, उन्हें प्यास लग रही थी तो मैंने उन्हें फ्रूटी दिलाई, मैंने कहा एक फ्रूटी दिला देती हूँ थोड़ा प्यास, गर्मी बहुत थी, भपका सा हो रहा था क्योंकि रात को बारिश हुई थी, इसी वजह से दिन में गर्मी उमस सी हो गई थी। फिर आज सब्ज़ी लेने चले गए हम लोग, मम्मी कह रही सब्ज़ी ले लेते हैं, मैंने कहा हाँ मम्मी सब्ज़ी ले लेते हैं। उसके बाद हम चलने लगे, देखिए धूप कितनी तेज़ है, कभी बादल भी हो जाते और धूप भी हो रही थी और इतना पसीना अंदर ही अंदर इतना पसीना चल रहा था गर्मी की वजह से। तो फिर हम जल्दी जल्दी से फिर हम घर जाने लगे, मैंने कहा मम्मी अब चल रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है, अब हमसे रुका नहीं जा रहा। मम्मी कह रही चलो, हाँ मम्मी को तो ब्लड प्रेशर है इसकी वजह से हमें को ज़्यादा गर्मी लगी थी। फिर मैं घर आ गई, घर आने लगी, फिर उसके बाद घर आके 5 मिनट हम बैठे होंगे और उसके बाद इतना अच्छा बेहतरीन मौसम हो गया, देखिए कितने अच्छा मौसम हो गया, बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। मैंने कहा सही टाइम पर हम घर पहुँच गए, नहीं तो फिर हम भी बारिश में भीग जाते। और उसके बाद वीडियो लंबी हो रही है, इसके बाद वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।